हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अल्फा बिलोंग्स टू -3π/2 टू -π, देन द वीडियो ऑफ सॉरी देन द वैल्यू ऑफ टैन इनवर्स कॉट अल्फा माइनस कॉट इनवर्स टैन अल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इज इक्वल टू। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें इक्वेशन गिवन है टैन इनवर्स कॉट अल्फा माइनस कॉट इनवर्स टैन अल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें सबसे पहले ये जो tan इनवर्स cot अल्फा है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 माइनस cot इनवर्स cot अल्फा राइट कर सकते हैं इसको। इसी तरह से इसको राइट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस tan इनवर्स tan अल्फा, और इनको एज इट इज रखते हैं, साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये ये तो कैंसिल हो जाएगा 5/2 से 5/2, और हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है टैन इनवर्स टैन अल्फा माइनस कॉट इनवर्स कॉट अल्फा प्लस साइन इनवर्स साइन अल्फा एंड प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फा जो लाई कर रहा है वो कैसे लाई कर रहा है, -3π/2 टू -π। तो सबसे पहले हम टैन इनवर्स टैन अल्फा को डिफाइन करते हैं। तो टैन इनवर्स टैन अल्फा को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे देखो, ये हमने क्या ले लिया, 0 टैन इनवर्स टैन अल्फा में यहाँ पे आता था ये 0, ये हो गया हमारे पास क्या -π/2। फिर फर्दर हम चलेंगे यहाँ से तो ये कुछ कर्व इस तरह से आएगा, ये -π/2, ये हो गया हमारे पास कितना -π, और यहाँ पे आ जाएगा करीबन हमारे पास -3π/2। ठीक है, तो ये वाले लाइन पर लाई करेगा अल्फा। ठीक है, तो ये वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से आ रही, स्लोप इसका पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस को अबव कट करेगी। तो इस लाइन का जो इक्वेशन बनेगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अल्फा है तो ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा वाई इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास जो टैन इनवर्स टैन अल्फा है वो माइनस पाई से -3π/2 में इसके क्यों आएगा पाई प्लस अल्फा के। ठीक है, इसके क्यों आ जाएगा ये पाई प्लस अल्फा के इक्वल। ठीक है, लेकिन देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, cot इनवर्स cot अल्फा। तो cot इनवर्स cot अल्फा को भी देख लेते हैं इसे। देखो cot इनवर्स cot अल्फा को हम ड्रॉ करेंगे तो ये होता है हमारे पास इस तरह से, ये 0, यहाँ पे क्या ले लिया हमने पाई। फिर आगे अगर हम देखें तो इसका जो कर्व है इस तरह से जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -π। फिर आगे चलेंगे ये आ जाएगा अपने पास -2π। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा -3π/2। ठीक है, तो जो -3π/2 से -π है वो यहाँ पर इस लाइन पे लाइन पे लाई करेगा, और ये लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करेगी 2π पे, है ना, और ऊपर कट करेगी। तो ये इसका जो इक्वेशन होगा यहाँ पे वो आ जाएगा 2π, और स्लोप पॉजिटिव होगा तो 2π प्लस अल्फा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं cot इनवर्स cot अल्फा इक्वल टू 2π प्लस अल्फा। ठीक है, तो यह आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हमारे पास क्या है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स साइन अल्फा को निकालना है अपने को, तो साइन इनवर्स साइन इसका ग्राफ देख लेते हैं। उसके लिए देखो साइन इनवर्स साइन इसका ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम चले आगे तो ये ऐसा होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास -3π/2,
ये हो जाएगा अपने पास माइनस पाई, यहाँ पे जाएगा कितना माइनस पाई बाई टू, ये ज़ीरो, ठीक है। ये वाली लाइन आ रही है, इस वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये एक्स एक्सिस को पाई पे कट कर रही है तो वाई एक्सिस को भी कट करेगी, और चूंकि ये नीचे जा रही है तो बिलो एक्स एक्सिस कट करेगी, तो कितना आएगा माइनस पाई, ठीक है। इसकी बात करें यहाँ से तो ये जो लाइन है इसका स्लोप होगा नेगेटिव, तो ये माइनस पाई माइनस अल्फा आएगा, मतलब यहाँ से हमारे पास साइन इनवर्स साइन अल्फा इस वाले इंटरवल के लिए क्या बनेगा बच्चों, माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है, क्या बनेगा माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा। फर्दर हम आते हैं, अब हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स कॉस अल्फा की बात कर लेते हैं। कॉस इनवर्स कॉस अल्फा को अगर हम देखें यहाँ से तो इस तरह से बनेगा, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा जीरो, ये हो गया हमारे पास पाई, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस टू पाई, क्लियर है। तो यहाँ पे कहीं पे क्या होगा माइनस थ्री पाई बाई टू, तो ये वाली लाइन आ रही है इसमें, और इस वाली लाइन को अगर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि जो कॉस इनवर्स कॉस अल्फा है वो क्या बनेगा, अब वो कट करेगा तो ये आ जाएगा टू पाई, ठीक है, और स्लोप भी पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा टू पाई प्लस अल्फा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टू पाई प्लस अल्फा बनेगा, ठीक है। तो अब हम इन सबकी वैल्यूज को अगर पुट करें यहाँ पे, सबकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो देखो हमारे पास क्या आएगा टैन इनवर्स टैन अल्फा, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, टैन इनवर्स टैन अल्फा इक्वल टू कितना था पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे मैंने पुट करा पाई प्लस अल्फा, कॉट इनवर्स कॉट अल्फा मेरे पास कितना आया था बच्चों टू पाई प्लस अल्फा, आगे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस टू पाई माइनस अल्फा, साइन इनवर्स साइन अल्फा मेरे पास कितना आया था माइनस पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा, और जो कॉस इनवर्स कॉस अल्फा है वो मेरे पास आया था टू पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे राइट करेंगे टू पाई प्लस अल्फा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस टू पाई से टू पाई कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है बच्चों जीरो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा के इस इंटरवल के लिए क्या होगी जीरो, तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ओके बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।